बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चों अज मैं तुम दसागा कि आसमानी बिजली की होंगी है। यकीन तुम सोचा तो होगा कि यह जी बिजली है कितों आती है। देखो भाई गल आ कि अगर चार्ज जोड़ा वा इलैक्ट्रिक चार्ज की मैं गल कर रहा वो साकन हालत हो तो असं उन्होंने कहने इलैक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन उ चार्ज अगर बहना शुरू कर दे यानी हरकत दे आ जाए तो उन्होंने असं करंट कहने या फिर बिजली कह दें। हूँ हों इस तरह कि आसमान से जो बदल होंगे ना तो वह बदल जोड़े आ उन्होंने पानी दे यानी कि आबी बुखारात होंगे ने और उस तो अलावा गर्दोगबार भी होंगे उन्होंने। ये वे वे बदल जो आपस टकराते ने ना उन्होंने टकराव की वजह तो वो जो आबी बुखारात वो जो जरात ने गर्दोगबार के ये रगड़ पैदा होंगी उस रगड़ की वजह तो चार्ज पैदा होंगे मनफी चार्ज जिहड़ा पैदा होने लग पैंदा है बदलों की रगड़ की वजह तो और वो बाद दफा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा बदल हो तो बहुत ज़्यादा आपस चो रगड़ खा रहे होने तो वजह तो बहुत ज़्यादा मनफी चार्ज बदलों के पैदा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मनफी चार्ज जिहड़ा है ना वो की करता है वो अपने बराबर मगर मुखालफ किस्म का जो चार्ज है ना वो जमीन के उत्ते इंड्यूस करता है यानी उत्ते उत्ते मनफी होंगे बदलों के चार्ज तो उन्ना ही मुस्बत चार्ज जो जमीन के उत्ते इंड्यूस कर लेंदा इस तरह एक इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है और वह इलैक्ट्रिक फील्ड जी वह बायस बनती है उस चार्ज के डिसचार्ज होने का यानी वो जो चार्ज है ना मनफी उतला बदलों वाला वो जमीन वाले मुस्बत चार्ज ना बहुत तेजी के नाल आके मिलता है मनफी चार्ज बड़ी तेजी ना आके मुस्बत चार्ज के नाल मिलता है और इस अमल में असी आसमानी बिजली कहते हैं। और आसमानी बिजली जी है बाद दफा बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी है कि अग ला दें या किसी बंदे ते या किसी दरख्त ते पवे तो उन्होंने साड़ के कोला कर दें क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा होंगे लिहाजा याद रखो इनू बचन वास्ते ना जिहड़ियां कीमती इमारतां हैगियां ना जिथे काम ज़्यादा होंदा है उत्थे लाइटनिंग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइटनिंग रॉड की होंदा है ये एक वड्डी जी लंबी जी सलाख होंदी आ जिहदा उपर वाला जिहड़ा सिरा ना वो छत तो भी उत्ते होंदा है यानी सब तो उत्ते वही होंदा है और इहदा जिहड़ा निचला सिरा होंदा वह जमीन च दबाया होंदा है। जदों भी किते किसी भी इमारत के उत्ते बिजली गिरदी आ ना अगर ये लाइटनिंग रॉड उत्थे मौजूद होएगा ना तो ये की करेगा ये उस चार्ज को जज़ब करके ना तो अपने अंदरों गुजार के तो जमीन तक ले जाएगा। यदा फायदा की निकलता है कि वह इमारत जी बिजली तो बच जाती तबाह नहीं होंगी। अगर नहीं है ऐसी इस्तेमाल करांगे खुदा ना खास्ता तो बिजली गिरेगी तो फिर तुम्हें पता ही है अग लग जानी है और वह इमारत या वह जगह जी तबाह हो जानी। शुक्रिया।